Hello friends, I am Komal Yadav. Welcome to my channel Komal Education Wing. I hope you all are enjoying my lectures. Thank you. तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ. ठीक है, देखिए आज का ये लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द एल्गोरिदम फॉर स्लोप इंटरसेप्ट मेथड. हम लोग डिफरेंट केसेज इन स्लोप इंटरसेप्ट मेथड, जो पॉसिबल केसेस है इन द पॉजिटिव स्लोप. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी समझ ली है डिटेल में. इसका सिर्फ मैं ये लेक्चर में क्या करने जा रहा हूँ कि एल्गोरिदम आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट मेथड के एल्गोरिदम है यहाँ ऑलरेडी. एल्गोरिदम का कोई काम नहीं है. क्यों काम नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग पिछले लेक्चर में अगर हम लोग वो कंसेप्ट समझ पाए उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत कर दिया हूँ एल्गोरिदम फॉर्मेट में, और कुछ नहीं है. ठीक है, आप लोग यहाँ देखिए, मैं इस लेक्चर में कुछ नहीं करूंगा, आप लोगों को सिर्फ मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा बात को, कि जो कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़े, आगे के लेक्चर में पढ़े अभी, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट मेथड में कैसे उसको इंप्लीमेंट किया हूँ यहाँ एल्गोरिदम के बेसिस में. ठीक है, तो देखिए यहाँ एल्गोरिदम फॉर स्लोप इंटरसेप्ट मेथड, नो प्रॉब्लम. यहाँ जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं यहाँ लिखा हूँ जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए एल्गोरिदम कैसे लिखे हैं. देखिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने वक्त मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ कि एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, इन पॉइंट गिवन चाहिए. ठीक है, तभी हम लोग एक लाइन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग ऑल द इंटरमीडिएट पिक्सेल्स बिटवीन दैट स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. ओके, तो देखिए दोस्तों स्लोप इंटरसेप्ट मेथड, इंट एक्स वन वाई वन इंट एक्स वन इंट वाई वन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन है, इंट एक्स टू वाई टू ये इंड पॉइंट ऑफ द लाइन गिवन है. ठीक, तो अब देखिए एक मैं फंक्शन लिखा हूँ, एक एल्गोरिदम में मैं सिर्फ फंक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को. आप लोग भले ही जानते हैं कि ये एल्गोरिदम को कैसे सी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर पाए, कोई दिक्कत है तो कृपया करके मुझे मैसेज कीजिएगा. ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं क्या किया हूं, dx dy पता लगा दिया हूं, सिंपली dx x2 - x1 dy y2 - y1 m स्लोप पता लगा दिया हूं, और c दो y = mx + c है, y = mx + c यहां जो है इसमें c का वैल्यू क्या हो जाएगा, y - mx. ठीक है, तो देखिए अगर c में y1 रखूं अथवा x1 रखूं, स्टार्टिंग पॉइंट रखूंगा वही वैल्यू आएगा, x2 y2 दोनों में से कैसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं c का वैल्यू. ठीक है, तो मैं यहां इंटरसेप्ट का वैल्यू जो है y1 y1 x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट के मदद से हम लोग मैप यहां पता लगाया हूं, c इक्वल टू y1 माइनस m x1. ठीक है, तो यहां आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. आप देखिए दोस्तों, तो dx पता लगा लिए, dy पता लगा लिए, ये स्लोप पता लगा लिए, इंटरसेप्ट पता लगा लिए. ठीक है, आप देखिए मैं आप लोगों को ये स्लोप इंटरसेप्ट मेथड में डिफरेंट कांसेप्ट बताया. शुरू में हम लोग पढ़े m लेस देन 1, m लेस देन 1 मतलब आप लोग सोचिएगा आंसर, m लेस देन 1 स्लोप, m मतलब व्हाट, dy / dx, तो dy / dx लेस देन 1 कब होगा, तो if this dx is greater than dy then less than 1 होगा. अच्छा, तो dx greater than है ये केस में, अगर dx greater than है तो x को यूनिट इंटरवल में बढ़ाऊंगा और y को रिस्पेक्टिव y पता लगाऊंगा. तो देखिए सबसे पहले मैं यहां फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहां क्या पढ़े, देखिए if dx is greater than y, तो dx is greater than y ये कौन सा केस के लिए है दोस्तों, बोलिए dx is greater than y ये m less than 1 और m greater than 1, बोलिए दैट इज, बोलिए बोलिए बोलिए, तो बोलिए चलो आप लोग बोल लिए, हम लोग मैं अनुमान करता हूँ dx greater than dy that is what the m less than 1 के लिए केस है. क्यों? क्योंकि m क्या होगा, dy by dx. तो if this dx is greater than dy then the result will be what, less than 1. तो ये है क्या, m less than 1 का कंसेप्ट. तो ये केस में मैं क्या बोला हूँ कि अगर dx greater है तो x को यूनिट इंटरवल में बढ़ाइए और y पता लगाइए. तो x को मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए for x is equal to for loop लगा दिए हैं, for x is equal to x1 and x is less than x2, x2 तक बढ़ाएंगे क्योंकि x1 and end point is what the x2, तो x is equal to x1, x को x2 तक, और ये कंसेप्ट देखिए यूनिट इंटरवल में बढ़ाऊंगा. x plus मतलब क्या, x is equal to x plus 1, ये ऑलरेडी ये कंसेप्ट मैं बता रखा हूँ, इसी को मैं एल्गोरिदम में इंप्लीमेंट किया हूँ यहाँ. तो x को मैं यूनिट इंटरवल में बढ़ा रहा हूँ, तो चलिए रिस्पेक्टिव x के लिए मैं y पता लगाऊंगा, y is equal to m into x plus c, ये जो फॉर्मूला है मैं बोला था, रिस्पेक्टिव y पता लगाएंगे. और पुट पिक्सल मतलब क्या, पुट पिक्सल इज द व्हाट द ऑलरेडी व्हाट द दैट इज द डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन व्हाट द इल्यूमिनेट द पिक्सेल. ठीक है, दैट इज एक्स और वाई 15 मतलब और व्हाइट कलर. ठीक है, 15 रिप्रेजेंट द व्हाइट कलर, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स वाई एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाइट कलर वी कैन रिप्रेजेंट द पिक्सेल्स, द रिस्पेक्टिव पिक्सेल ऑन द व्हाट द कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, तो ये पुट पिक्सेल की मदद से हम लोग वो काम करेंगे. तो देखिए और मैं ये फंक्शन को बंद करता हूँ, तो एल्स केस में क्या बच जाएगा, एल्स केस में ये बचेगा कि डीएक्स ग्रेटर देन डीवाई हो गया, अगर स्लोप लेस देन वन का काम खत्म हो गया, तो दो कंडीशन बचा. अब m greater than 1 में क्या करेंगे और m equal to 1 में क्या करेंगे, तो मैं बताया था कि m equal to 1 में आप दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो मैं ये यूज कर दिया हूं. एंड स्पेशली दिस कंडीशन इज फॉर व्हिच, बताइए दिस कंडीशन व्हिच फॉर व्हिच, एक्चुअली y को मैं यहां क्या पढ़ा, देखिए else मतलब अगर m less than 1 मेरा क्लियर हो गया
तो यम ग्रेटर देन वन के लिए मेरा ये कंडीशन है क्यों कि यम ग्रेटर देन वन कब होगा जब dx छोटा होगा dy से, दैट इज dy इज ग्रेटर देन dx। तो अगर dy इज ग्रेटर देन dx को y को यूनिट इंटरवल में बढ़ा रहे हैं, y को यूनिट इंटरवल में बढ़ा रहे हैं, y प्लस प्लस y इक्वल टू y1, y लेस देन इक्वल टू y2, y प्लस प्लस। देखिए y को यूनिट इंटरवल में बढ़ा रहे हैं मतलब dy इज ग्रेटर, तो रिस्पेक्टिव x पता लगाएंगे। ये x का फार्मूला कैसे आया, देखिए वी नो y इक्वल टू व्हाट द mx प्लस c, हम लोगों को ये तो मालूम है। तो इसमें से अगर x पता लगाएंगे तो क्या होगा, y माइनस c डिवाइडेड बाय m। तो देखिए यही है y माइनस c डिवाइडेड बाय m, एंड व्हाट द पुट पिक्सेल x कमा y कमा 15, ये हम लोग काम कर रहे हैं यहां, ठीक है। और m इक्वल टू 1 के लिए else कंडीशन है, तो यही काम करेगा क्योंकि m इक्वल टू 1 के लिए हम लोग दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो विद हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम, विद हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट वी कैन एक्चुअली वी कैन ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट मेथड है, ये हम लोगों का कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज बाकी नहीं है, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दूं, ठीक है दोस्तों। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट मेथड के बाद हम लोग तो पढ़ने जाएंगे कौन सा मेथड, दैट इज DDA, डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम। लेकिन क्यों स्लोप इंटरसेप्ट, भाई स्लोप इंटरसेप्ट पढ़ ही रहे हैं, पढ़ भी लिए, तो DDA क्यों पढ़ना, बात तो एक ही है, क्यों, क्योंकि इसका कुछ डिसएडवांटेज होगा, वो ओवर कम करेगा DDA, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर चीज है उसमें हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूटेशन टाइम का बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं। कोई भी चीज हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए कि कितना जल्दी परफॉर्म हो जाए, ठीक है, जितना जल्दी परफॉर्म रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस इज द लॉजिक इन द कंप्यूटर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। देखिए तो हम लोगों को ये बात, यहाँ अगर मैं ये बात बोलूँ कि देखिए दोस्तों इसमें आप यहाँ पकड़िए बात को, ठीक है। देखिए मैं यम पता लगा रहा हूँ, देखिए ये जरूरी तो नहीं है कि मेरा जो यम है फ्रैक्शन में भी आ सकता है, हाँ कि नहीं, यम मेरा फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ में भी आ सकता है, दैट इज ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है ये तो डेसिमल में भी आ सकता है, ताकि देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन भी हो सकता है, यहाँ देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन भी हो सकता है। आप यहाँ नोट कीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, जो यम यहाँ मिलेगा, सपोज मानिए ये अगर मेरा यम डेसिमल है तो यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। दिस इज द केस, ओके, वी हैव टू कंसिडर ऑल द केसेस, सो दिस इज द केस, दिस इज द वर्स्ट केस if we will get, ठीक है। चिन्ना